हमें होश नहीं खोना, क्योंकि इस खेल में जितना जरूरी जोश है उतना जरूरी होश भी है। वक्त आ गया, तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारे प्रैक्टिस सेशन और तुम्हारे दिमाग की सोच, तुम्हारे शरीर की तंदुरुस्ती और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब एकजुट होके एक टीम की तरह यहां पर इस मैदान में तुम्हें खुल के उसका प्रदर्शन करना है। यस सर। प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कमान। सबसे पहले चेन, डिफेंस की चेन कमान। यस, बस 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 उतना ही बस। सूरज वेरी गुड, ओके। ड्रैगन ड्रैगन रेम तुम अलर्ट नहीं रहे, तुम फुल कॉन्सेंट्रेट, वेरी गुड। निकल बाहर वहां से, यस शाबाश, यस। और अब ये बात मैं सिर्फ एक और बार कहूंगा, तुम्हारे जहन में ये बात घुस जानी चाहिए, ध्यान लक्ष्य, दिल में हौसला और चाह जीत की। राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम ओनर होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी ही टीम जीते, पर उसमें हमेशा हार जीत ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है, यानी कि आप अपनी खेल को कैसे खेलते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरी इस टीम में से हम सबको मिलेगा एक स्टार रेडर, एक स्टार डिफेंडर और एक स्टार ऑलराउंडर। मैंने इस टीम में एक एक खिलाड़ी में एक अजीब सा जज्बा देखा है, एक जुनून देखा, एक जिद देखी, और वो कबड्डी के मैदान में जरूर दिखती है। आपके कैप्टन सूरज राठी के बारे में कुछ बताइए, उनमें ऐसी कौन सी खासियत है जो उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में भीड़ से अलग खड़ा करती है? मुझे हमारे कैप्टन मिस्टर सूरज राठी पर बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं उनसे, मुझे यकीन है कि वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये सिर्फ एक मैदान ही नहीं है, मेरी कर्म भूमि है जिस पर मुझे आने वाले कल की कहानी लिखनी है, कुछ कर दिखाना है। संध्या, सूरज जी, पहले मैच की तैयारियां हो गई? आपको पता है मैं उसी मैदान में खड़ा हूँ जहां पर हमारा कबड्डी का महासंग्राम होने वाला है। संध्या, मैं बहुत खुश हूँ, पर हाँ, आपको पता है कोच साहब हमें यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो हम सबको खेल की रणनीति के बारे में बता सके। एक बेहतरीन गुरु के बेहतरीन शिष्य को मैदान पर खड़े होकर कैसा लग रहा है? आज जिस मैदान पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बड़ी अजीब सी भावना आ रही है मेरे दिल में। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जाना पहचाना सा मैदान है। आपको पता है एकदम वैसा लग रहा है जैसे पहली बार मैंने अपनी मिठाई की दुकान पे अपने हाथ में करछी और कढ़ाई थामी। संध्या, दुकान छोड़ने के बाद तो मेरी जिंदगी में एक मसला बन रहा था ना, आज वो ऐसा लगता है जैसे पूरा हो गया। ऐसा इसलिए सूरज जी क्योंकि आज आप कबड्डी से पूरी तरह जुड़ गए, वही ईमानदारी वही लगन आपके इस खेल के साथ जुड़ गई। देख लेना, जैसे आपने अपनी मिठाई की दुकान पर सफलता के झंडे गाड़े हैं ना, वैसे ही आप इस खेल में भी अपना नाम उसी तरह से रोशन करो। हाँ, वो बाबू कहाँ है? सूरज जी, वो बाबू मैं जानू, बाबू मेरे लिए बैठ के प्रार्थना कर रही है। हाँ सूरज, अब पता है आपका बेटा भी आपकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है अपनी दादी के साथ में। अरे वाह, क्या बात है। ऑल द बेस्ट सूरज जी, कल आपको इस अग्नि परीक्षा में पास होना है, कल आपका पूरा परिवार आपका मैच देखने आएगा। जरा आप ही बताइए कि मैं पास क्यों नहीं हूँ?
पास माँ है जो अपने बेटे की कामयाबी के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही है, पर एक बेटा जो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठा है ताकि उसके पापा को कामयाबी मिले। और मेरे पास एक ऐसी पत्नी है जिसने हमेशा अपने पति में एक अटूट विश्वास जताया है, जो हमेशा उसके साथ बनकर उसके साथ खड़ी रही। उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है और यहाँ पे हर खिलाड़ी जिसके लिए खेल खेल नहीं बल्कि पूजा से कम ना है, और एक ऐसा गुरु है मेरे पास जिसका किसी भी शिष्य के साथ खड़े होना ही एक गर्व की बात है। जीतना तो हर हाल में हमें ही, क्योंकि हार के लिए मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। कल इस टूर्नामेंट का पहला मैच है और राजपुताना कबड्डी क्लब का भी, पर मैं चाहता हूं कि राजपुताना कबड्डी क्लब और अदिति दोनों का ही गुरूर कल इस मिट्टी में मिल जाए। शर्मिंदा होगी अदिति अपने फैसले पर, रोएगी, तड़पेगी, पछताएगी। वो ये जान जाए कि इस कबड्डी के मैदान का अभय बस एक है और कोई नहीं, और ना ही कोई दूसरा अभय पैदा हो सकता है। उसे एहसास हो कि मुझे इस टीम से निकालकर उसने कितनी बड़ी गलती की। ये सब होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये सब होने का विश्वास मुझे आपने दिलाया। बोलिए, होगा ना? कहीं अपने वायदे को तोड़ेंगे तो नहीं आप? तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। राजपुताना कबड्डी क्लब की अर्थी सजाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम की हार निश्चित है। अदिति का मुझ पर विश्वास होते ही राजपुताना कबड्डी क्लब की हार का ब्यूगल तो बजने लग गया था। समझो, उसने मुझे बेस्ट कोच का दर्जा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि दोस्ती के साथ साथ मैं दुश्मनी को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता हूं। मुझे वो फोकस सिंह कहते, इतना सही नाम दिया है उसने, क्योंकि अब उसकी इस टीम को धूल में मिलाने के लिए मैं पूरी तरह फोकस्ड हूं। और इसी के लिए मैंने पहले दिन से गलत खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था। 40 खिलाड़ियों के सिलेक्शन में जो सबसे खराब थे उनको मैंने चुना, और अब उनको मिलाकर बनी है इस बार की राजपुताना कबड्डी क्लब टीम। एक एक खिलाड़ी की कमजोरियां मैं पहले राउंड में ही पहचान गया था। सबसे पहले रतन, जो कि बहरा है, प्रेम, जिसे कबड्डी का के तक नहीं आता लेकिन बेईमानी की पूरी स्पेलिंग उसने पूर्ण की, बबन, जो शरीर से जितना मजबूत है दिमाग से उतना ही कमजोर, और लखन, वो तो है ही ढपोल शब्द, और अविनाश, एक बेहतर खिलाड़ी होने के बावजूद अपनी घुटन से ही बीमार है बेचारा। खुद को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित करने का जुनून है उस पर, और इसी का मैंने पूरा इंतजाम करने के लिए आदिति को ये राय दी थी। ये टीम के कैप्टन के लिए अविनाश को नहीं बल्कि सूरज राठी चुना जाए। बस अविनाश के अंदर लग गया
जुनून सवार है उस पर। अब वो सिर्फ अपने आप के लिए खेल, टीम के लिए नहीं। और सूरज मेरा आखिरी और सबसे सुनहरा प्यार, मजबूत है, काबिल है, जुनूनी है, लेकिन उस बेचारे की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मौन सबने। उस दिन कैंप में आने के मिलावट की घटना में आदित्य ने तुम्हें पकड़ लिया था, लेकिन मैंने वो नाटक करके उसका ध्यान भटका दिया। मैं कॉलर से घसीट के लाया, चिल्लाया, चीखा तुम पर, सबके सामने शर्मिंदा किया। तुमने भी शर्मिंदा होने का नाटक किया। सूरज की नजरों में मैं महान गुरु द्रोणाचार्य बन गया। मेरी डुगडुबी पे नाचेगा कैप्टन, और कैप्टन के साथ साथ नाचेगी पूरी की पूरी टीम। ये टीम शक्ति हारे और साथ साथ चूर चूर हो जाएगा उस अदिति का गुरूर, उसका घमंड। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसके पास, तुम्हारे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। वो गिड़गिड़ाएगी तुम्हारे साथ, भीख मांगेगी वो, क्योंकि कल के लिए मैंने ऐसी रणनीति तैयार की है कि इस राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम की हार निश्चित है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।